कभी कभी एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही तिथि पर एक ही प्रकार के सौदे कई बार होते हैं, तो इन सौदों को हम अलग अलग ना लिखकर एक ही में लिखते हैं, उसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्रीज, मिश्रित प्रविष्टि या फिर संयुक्त प्रविष्टियाँ। इससे यह होता है कि समय की भी बचत होती है, जर्नल बुक के कुछ पेजेस हैं वो भी बच जाते हैं। अब अपन देखेंगे कि कंपाउंड एंट्रीज में कितने प्रकार की दशाएँ होती है। पहली दशा यह है कि जब एक ही खाता कई बार डेबिट हो और उसके बाद उसी प्रकार का खाता एक ही बार क्रेडिट हो। हम यहाँ पर यह उदाहरण ले सकते हैं कि माल नगद क्रय किया, राम से माल क्रय किया। अब इसमें अपन ये देख सकते हैं कि दो खाते जो हैं क्रय हो रहे हैं, माल हमने नगद क्रय किया तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से, और राम से माल क्रय किया मतलब ये उधारी में है, तो राम का खाता क्रय खाता डेबिट राम के खाते से। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दो बार में क्रय खाता डेबिट हो रहा है, और उसके ऑपोजिट में कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, एक तो रोकड़ खाता और दूसरा राम का खाता। तो हम इसको दोनों को मिलाकर एक कर सकते हैं, जिसमें हम जिसको हम कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं एक बना सकते। इसमें क्या होगा, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से और राम के खाते से। तो यहाँ पर हम जो क्रय कर रहा है दोनों क्रय को जोड़ के वहाँ लिख देंगे, और जो रोकड़ में खरीद रहा है उसको हम रोकड़ में क्रेडिट करेंगे, और जो राम से खरीद रहा है उधारी में उसको हम राम के खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो ये होता है संयुक्त खाता, जो अगर डेबिट एक ही खाता डेबिट हो रहा है और उसके ऑपोजिट में जो दो खाते क्रेडिट हो रहे हैं। अब दूसरा ये होता है कि जब एक ही खाते से हम क्रेडिट कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट में जो अधिक खाते हैं वो क्रेडिट होंगे, मतलब एक ही खाता क्रेडिट होगा और उसके ऑपोजिट में जो दो खाते हैं वो डेबिट हो जाएंगे। इसमें हम सेम ऐसे ही विक्रय वाला ले सकते हैं। विक्रय में क्या होगा कि माल नगद बेचा, राम को माल बेचा, माल नगद बेचा की एंट्री क्या हो जाएगी, माल हमने नगद बेचा तो हमारे पास क्या आया, रोकड़ आया, रोकड़ आया तो हम रोकड़ खाते को डेबिट करेंगे और विक्रय खाते को हम क्रेडिट करेंगे। और जब राम को माल बेच रहा है मतलब वो उधारी में बेच रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, राम का खाता डेबिट करेंगे और विक्रय खाते को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बार विक्रय खाता जो है क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसको एक कर सकते हैं और उन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता डेबिट राम का खाता डेबिट विक्रय खाते से। अब दोनों के विक्रय का जो अमाउंट है उसको हम जोड़ के विक्रय में डाल देंगे, और जो हम नगद में विक्रय कर रहे हैं नगद में डालेंगे, और जो उधारी में जो हम राम से लिए हैं उसको हम राम के खाते में डाल देंगे। ये दो दशाएं हुई। अब एक आखिरी तीसरी दशा ये बोल सकते हैं हम कि अगर मान लो अलग अलग प्रकार के खाते खुल रहे हैं और उसी में हम अगर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, मान लीजिए हम व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं रोकड़ से, माल से और फिर टाइपराइटर मशीन से, तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूंजी होंगी। जो हम पूंजी ला रहे हैं ये हमारी पूंजी है, जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो अपनी पूंजी से करते हैं, वो माल के रूप में भी हो सकता है, वो रोकड़ के रूप में भी हो सकता है, वो किसी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, तो यहाँ अपन टाइपराइटर को संपत्ति के रूप में ले सकते हैं। अब इसमें एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता डेबिट जितना हम रोकड़ ला रहे हैं उतना, माल का खाता डेबिट जितना माल हमने खरीद के लाया है वो, और टाइपराइटर भी हमारे बिजनेस में आ रहा है तो टाइपराइटर का खाता डेबिट, और पूंजी खाते से मतलब ये तीनों की तीनों पूंजी है, तीनों का जो राशि है वो उसको जोड़कर हम पूंजी खाते में डाल देंगे। तो कंपाउंड एंट्रीज की ये तीन दशाएं थी, मिश्रित प्रविष्टियां, ये और भी रूप में आगे अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये आगे आगे रूप में और भी प्रकार प्रकार से आती जाएगी।